अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़े 26 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के एक मामले में मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। इस मामले में छोटा राजन के अलावा 3 और आरोपियों को सजा सुनाई गई है। अदालत ने छोटा राजन समेत बाकी सभी आरोपियों को 2 साल की सजा सुनाई है। ये मामला साल 2015 का है, जिसमें पनवेल के एक बिल्डर से 26 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई थी। वसूली के लिए छोटा राजन के आदमियों ने बिल्डर को धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद इस बिल्डर ने पुलिस को शिकायत की थी। साल 2015 में नंदू वाजेकर नाम के बिल्डर ने पुणे में एक जमीन खरीदी थी, जिसके एवज में एक वांटेड अपराधी और एजेंट परमानंद ठक्कर को 2 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर देना तय हुआ था। लेकिन ठक्कर नाम के इस एजेंट को और पैसे चाहिए थे, जो वाजेकर को मंजूर नहीं था, जिसके बाद ठक्कर ने छोटा राजन से संपर्क किया और बिल्डर को धमकाकर 2 करोड़ से ज्यादा रकम वसूलने को कहा। इस मामले में 4 आरोपी हैं। इनके नाम सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम उर्फ दादिया, सुमित विजय मात्रे और छोटा राजन हैं। पुलिस अब भी इस मामले में एजेंट परमानंद ठक्कर की तलाश कर रही है। छोटा राजन को साल 2015 में बाली से भारत लाया गया था, फिर उस पर लगे सारे मामले सीबीआई अदालत को ट्रांसफर कर दिए गए थे। छोटा राजन पर देश के अलग अलग राज्यों में बेशुमार मुकदमे दर्ज हैं। उन्हीं में से ये मामला भी एक है। ये मामला पनवेल में रजिस्टर किया गया था। इसी मामले पर मुंबई के सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। छोटा राजन कभी दाऊद इब्राहिम का करीबी हुआ करता था। 80 के दशक के अंत में जब मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कसा, तो ये माया नगरी छोड़कर दुबई भाग गए थे। साल 1993 में मुंबई धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन दोनों अलग हो गए थे। फिर दुबई छोड़कर छोटा राजन ने अपना काला कारोबार मलेशिया और बैंकॉक में फैला लिया था। इसके बाद इनकी दुश्मनी इतनी बढ़ी कि दाऊद और छोटा राजन ने एक दूसरे पर हमले करवाने शुरू कर दिए थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से फिर भी बचते रहे और जुर्म की दुनिया में इनका सिक्का चलता रहा। लंबी जद्दोजहद के बाद भारतीय एजेंसियों को छोटा राजन को भारत लाने में कामयाबी मिली थी। छोटा राजन फिलहाल देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इस खबर पर अपनी राय जरूर शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।